सुमेरपुर नगर पालिका ने लॉकडाउन के चलते गरीब परिवार दिहाड़ी मजदूरों को पालिका प्रशासन की तरफ से निशुल्क सूखा भोजन मुहैया कराने के लिए वार्ड संख्या 10 में 26 पैकेटों का वितरण किया गया। जी हाँ, अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य ने हमें बताया कि लॉकडाउन के चलते गरीब जो परिवार है उसमें वार्ड संख्या 10 से पार्षद कमला जावा के नेतृत्व में मंगलवार को 26 पैकेटों का निशुल्क सूखा राशन इन दिहाड़ी और गरीब परिवारों को वार्ड संख्या 10 के पार्षद कमला जावा के सानिध्य में मंगलवार को वितरित किए गए। जी हाँ, सूखे राशन के ये पैकेट दिहाड़ी मजदूरों के लिए एक वरदान साबित होंगे लॉकडाउन के चलते। जी हाँ, ये राशन के पैकेट वितरण करते समय पार्षद महोदया बिल्कुल भावुक हो गई और उनको ये लगा कि वास्तव में अब सच्ची सेवा का मौका मिला है और नगरपालिका का आभार जताते हुए उन्होंने सहयोगात्मक रवैया रखने की पहल की और कांग्रेस के यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। सुमेरपुर के शिव वाटिका कॉलोनी में देवड़ा कृषि फॉर्म पर कुछ पार्षदों द्वारा 300 पैकेटों का भोजन बनवाकर जरूरतमंद व गरीब लोगों में वितरित किया गया। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश राकेचा, वीणा देवड़ा, मांगीलाल देवड़ा समेत कई प्रबुद्ध जन सहयोगकर्ता के रूप में मौजूद रहे। सुमेरपुर के वार्ड संख्या 29 में वीणा देवी पार्षद के नेतृत्व में उनके पति मनोहर देवड़ा ने खुद फॉगिंग मशीन हाथ में लेकर, जी हाँ देखिए किस प्रकार से मालियों का बास, कुमारों का बास समेत 29 नंबर वार्ड में खुद फॉगिंग करते हुए और जन जागृति अभियान फैलाया और कोरोना से लड़ने को लेकर खुद तैयार हुए। जी हाँ, इस दौरान कई पालिका कर्मी साथ में मौजूद रहे। कोरोना वायरस को देखते हुए जी हाँ, पशु पक्षियों की सेवार्थ सुमेरपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति के तत्वावधान में मक्की की बोरियों का वितरण, जी हाँ मोरों के लिए और पक्षियों के लिए मक्की का डाली गई। यह कामेश्वर महादेव मंदिर के पहाड़ियों में, जी हाँ समीपवर्ती जवाई बांध के समीपवर्ती कामेश्वर महादेव मंदिर के पहाड़ियों में इन सभी का वितरण किया गया। जवाई बांध के समीपवर्ती बिसलपुर गांव में कोरोना वायरस के चलते जब बंद रखा जाता है उस दौरान ग्राम पंचायत के सहयोग से समाज सेवी लोगों द्वारा लगभग एक एक मीटर की दूरी पर ये सर्कल बनाए जा रहे हैं और उनसे दूरी, जी हाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात रखते हुए उनको जागृत किया जा रहा है। जी हाँ, ग्राम पंचायत के सहयोग से ये किराने की दुकान है, उसके सामने देखिए किस प्रकार से युवक खुद अपने हाथों से गोल सर्कल बनाकर एक जन जागृति अभियान चला रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का नया फॉर्मूला दे रहा है बिल्कुल, क्योंकि इस कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंसिंग रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जी हाँ, यह किराने की दुकान है और उसके सामने देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात रखी जा रही है और ग्राम पंचायत में भी देखिए ग्रामीण लेवल पे भी लोग कितने सजग और सफल हैं प्रधानमंत्री के आह्वान पर। सोशल देखिए किस प्रकार से सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे गांव में और देखिए इस दौरान जब सन्नाटा पसरा हुआ है तो ये युवक सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान में रखते हुए सर्कल बनाकर जन जागृति अभियान फैला रहा है। कोलीवाड़ा ग्राम पंचायत के समीपवर्ती बिरोलिया गाँव में आज एक गाय के बीमार होने पर, जी हाँ कोरोना वायरस के चलते कोई हाथ लगाने को मजबूर नहीं था लेकिन जो राष्ट्रीय हिंदू एकता दल के सदस्य हैं उन लोगों ने एक साथ मौजूद होकर गाय को गौशाला पहुंचाने के लिए रिक्शे की मदद से हाथ रखकर उनको गौशाला पहुंचाया। देखिए किस प्रकार से गाय को गौशाला पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है बिल्कुल, और रिक्शे में चढ़ाया जा रहा है। ये सभी गोभक्त हैं जिन्होंने गाय को चढ़ाने में विशेष मदद की और गाय को गौशाला पहुँचाने में अपनी सहभागिता निहित की। ग्राम पंचायत दोस्तों, सुमेरपुर न्यूज पर स्वागत है आपका। जी हाँ, बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के लिए जी हाँ यहाँ 35 वार्डों में लगभग 12 टीमें बनाई गई है। इनके प्रभारी हमारे साथ में अशोक जी चौहड़िया मौजूद है, उनसे रूबरू होते हैं, जानकारी लेते हैं किस प्रकार से और कितने लोगों का अभी तक स्क्रीनिंग की जा चुकी है पूरे सुमेरपुर शहर में।
समयपुर न्यूज पर बतावे किस प्रकार से कितने वार्डों की और कितने घरों की अभी तक स्क्रीनिंग आपके द्वारा कितने लोगों को लगाया गया है? अब तक एसडीएम साहब एसडीएम महोदय के द्वारा कुल 12 टीमें बनाई गई सुमेरपुर नगर पालिका के लिए और उसका प्रभारी मुझे बनाया गया, जिसके अंतर्गत कुल 24 अध्यापकों को, 12 चिकित्सा कर्मी को एएनएम और नर्स मेल नर्स और 12 ही नगर पालिका के कर्मचारी हमारे साथ हैं। कुल मिलाकर के 48 और 2 सुपरवाइजर जिसमें श्री श्यामजी लोहार और एक और हैं, कुल मिलाकर और एक नए कुल मिलाकर के 51 की टीम माननीय एसडीएम साहब के द्वारा बनाई गई थी। अब तक हमने 24 तारीख से लगातार प्रत्येक डोर टू डोर घर घर जाकर के सर्वे किया गया और इस सर्वे के अंतर्गत अब तक लगभग 27,000 घरों का घरों में से कुल 27,000 लोगों का हमने सर्वे किया और लगभग 1,000 से भी ज़्यादा घर हमने जांच किए और अंतिम दौर में इसमें सर्वे चल रहा है उसमें लगभग 532 जो बाहर से आए हुए हैं उन 532 को हमने अलग अलग तरीके से और माननीय एसडीएम साहब को इसकी सूचना हमने भेज दी है जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा लगातार हमारी टीमें प्रत्येक दिन जो हमने जो चिन्हित किए गए हैं 532 लोगों को उनके प्रत्येक के घर जा रही है और उन्हें प्रतिदिन दिन में 4 बार उनकी जांच की जा रही है कि कहीं इस प्रकार की जो कोरोना वायरस का कहीं कोई संदिग्ध नहीं मिले और अभी भी हमारी टीमें लगातार क्षेत्र के अंतर्गत अपनी सर्वे कर रही है। अच्छा, इन 35 वार्डों में जब आप इतने लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं तो क्या लगता है कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति मिला जो कोरोना से पीड़ित हो या उसमें ऐसे सिम्टम्स नजर आए हो आपके किसी कर्मचारी को जिसने आपको सूचना दी हो समय पे? नहीं, हमारे जो पूरी टीमें हैं उसके अंतर्गत अभी हमारे सौभाग्य की बात है और इस सुमेरपुर के लिए खुशखबरी की बात है कि हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी कोई सूचनाएं नहीं है जिससे कि कोरोना के पॉजिटिव मिले हों, ऐसा कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा विदेश से कुछ लोग आए हुए हैं और कितने लोग आए विदेश से? लगभग 35 की हमारे पास लिस्ट है और पूरे सुमेरपुर क्षेत्र की उनमें से 21 जो है वो हमारे सुमेरपुर के हैं लेकिन कोई भी पॉजिटिव हमें नजर नहीं आ रहा है और एक दो कोई है इस प्रकार का तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है या आइसोलेट कर दिया गया है। होम क्वारंटाइन किन किन को किया गया, कोई सूची है क्या इसकी, नाम बतावे अगर हो तो? हाँ, अभी तक हमारे पास जो होम क्वारंटाइन की जो सूची आई है एसडी महोदय के द्वारा तो उनमें है अपने नगर पालिका सुमेरपुर के अंदर अब्दुल गनी, सुभाष अग्रवाल, आकाश कुमार, बालाराम, डॉक्टर सुरेश भंडारी, उनके श्रीमती जी रेखा जी भंडारी, उनके पुत्र द्विज भंडारी, उनकी पुत्र वधु सोनिया सोनिंदा, फिर भरत कुमार, आकाश बोराना, दिलीप कुमार, किशोर कुमार, कोमल कुमार, कल्पेश मालवीय, नीलम, पंकिल कुमार, मानवजीत सिंह पवार, दिव्यांग पुरोहित, रहमान भाई, रमेश कुमार, साक्षी गोपाल, दीपक शर्मा और विक्रम सिंह। बाकी ये सभी इन सभी को स्वस्थ है और होम क्वारंटाइन के अंदर इनको भेजा गया है तो लगभग इनमें किसी प्रकार का फिलहाल ऐसे कोई पॉजिटिव के नहीं मिले हैं और का बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमेरपुर न्यूज से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सुमेरपुर नगर पालिका के वार्ड संख्या 18 की पार्षद परमिंदर कौर ने सुमेरपुर नगर पालिका के एसआई को 150 हैंडमेड मास्क व 12,301 रुपए वार्ड पार्षद की प्रेरणा से महिलाओं ने एकत्रित कर वार्ड पार्षद के सहयोग से उनके पति जोगेंद्र सिंह की मौजूदगी में एसआई जसवंत परिहार को भेंट किए जनता जल रसोई के लिए।